नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द मोटर टॉशन। तो मेरा नाम है सचिन और आज हम बात करने वाले हैं हुंडई एक्स्टर की बिल्ड क्वालिटी के बारे में। तो दोस्तों, अगर आप ये गाड़ी खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं जो आपको बातें बताने वाला हूं, जो ऐसा टेस्ट किया हमने जिससे आपको इस गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी ऐसे पता चलेगी जैसे दूध का दूध पानी का पानी, बिल्कुल साफ आपको क्लियरिटी से नज़र आ जाएगा कि जो इस गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी है वो कैसी है, और आपको ये भी आइडिया लग जाएगा कि इस गाड़ी की जो सेफ्टी रेटिंग है वो क्या हो सकती है। स्टार्ट करने से पहले आपको ये भी बता दूं कि अगर आप हुंडई एक्स्टर खरीदते हुए 1,00,000 से ज़्यादा बचाना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिल जाएगा, वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। चलिए बात कर लेते हैं इस वीडियो के बारे में। तो दोस्तों, इस वीडियो में एक्स्टर की बिल्ड क्वालिटी को टेस्ट करने के लिए हमने एक ऐसे डिवाइस का यूज़ किया जो कि गाड़ी के मेटल पे लगाते ही सेंस करते ही बता देता है कि गाड़ी का जो लोहा है वो कितना ज़्यादा हैवी है, कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसकी मोटाई कितनी ज़्यादा है। तो इस वीडियो में हम पहले हुंडई एक्स्टर की बिल्ड क्वालिटी को टेस्ट करेंगे, उसके बाद हम हुंडई की ही ग्रैंड i10 के साथ इसका कंपैरिजन करेंगे और देखेंगे कि दोनों ही गाड़ियों में कितना ज़्यादा फ़र्क है, एक्स्टर में कितनी ज़्यादा इंप्रूवमेंट की गई है या फिर वो हुंडई i10 से भी गया गुजरा है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले हुंडई की एक्स्टर से। तो उस डिवाइस में दोस्तों आगे एक सेंसर लगा होता है जो ठीक अल्ट्रासाउंड मशीन की तरह काम करता है, जैसे हमारी बॉडी पे अल्ट्रासाउंड मशीन बता देती है कि जो अंदर स्टोमक में कोई पथरी वगैरह है, स्टोन है, तो वो बता देती है। ठीक ये वैसे ही सेंस करता है। इसके आगे एक जेल लगती है और ये मेटल बता देता है कि मेटल कितना मोटा है। तो यहाँ पे आपने बोनट पे देखा था शीट जो है वो 1 mm है, और साइड्स में भी आप देख सकते हैं जो शीट है उसकी मोटाई है 1.0 mm। तो बोनट पे एक बार दोबारा हमने चेक किया तो 1.0 mm। तो ये रीडिंग जहाँ रुकती है वही रीडिंग फाइनल होती है जो मीटर में शो कर रहा है। तो अब इनसाइड दी बॉडी जो चेसिस वाला एरिया वहाँ पे चेक कर रहे हैं तो 1.7 mm यहाँ पे रुक चुका है, ये देखो। और उसके बाद दोबारा अगर दूसरी साइड बात करें तो 1.7 mm अगेन, तो ये मोटाई है जो ये बता रहा है। उसके बाद बम्पर की बात करें, बम्पर कितना मोटा है इस गाड़ी का, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 8.1 mm। तो दोस्तों, ये डिवाइस जो है वो ऐसा वैसा डिवाइस नहीं है, इसकी एक्यूरेसी भी हमने टेस्ट की, आपके सामने ये एक्यूरेसी टेस्ट कर रहे हैं हम। ये देखिए गाड़ी की सीट बेल्ट है, और जब हमने इसे फिजिकल मीटर से चेक किया, फिजिकल स्केल से, तो भी ये 2.6 mm था, और जब हमने इस मीटर से चेक किया तो भी ये 2.6 mm। तो यहाँ तो हम फिजिकल मीटर से चेक कर पा रहे हैं, लेकिन बाकी जगह पर हम जहाँ फिजिकल मीटर यूज़ नहीं कर सकते वहाँ पर हमने इस डिवाइस का, इसीलिए हमने इस डिवाइस को ख़रीदा है जो कि काफ़ी महंगा और काफ़ी रिसर्च करने के बाद हमने इसे ख़रीदा है। तो चलिए बात कर लेते हैं अब अंडर बॉडी की तरफ कि जो गाड़ी का जो अंडर है, अंडर बॉडी है, चेसिस वाला एरिया, वो कितना ज़्यादा एरिया। तो यहाँ पे आपने साइड डोर भी देख लिया 1 mm। ओवरऑल गाड़ी में जो शीट यूज़ हुई है एक्स्टर में वो 1 mm का उसमें यूज़ किया गया है, और यहाँ पे नीचे की तरफ आप देख सकते हैं साफ साफ रीडिंग बता रहा है ये 1.6 mm। और बम्पर की बात कर लेते हैं, यहाँ पे देख लीजिए 8.1 mm। तो अब हम इसका कंपैरिजन करेंगे i10 का, i10 के साथ कंपैरिजन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कंपनी ने ही बताया कि दोनों का जो प्लेटफॉर्म है वो बिल्कुल सेम है, जिसकी वजह से हम दोनों गाड़ियों का कंपैरिजन कर रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे कहना चाहूँगा कि हम पूरी कोशिश और मेहनत के साथ आपके लिए हर लेटेस्ट गाड़ी का रिव्यू लेके आते हैं, इन्फॉर्मेशन लेके आते हैं, लेकिन 97% से ज़्यादा लोग जो है वीडियो देखने के बाद, इन्फॉर्मेशन लेने के बाद चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, आपके लिए सिर्फ 2-3 सेकंड का काम है लेकिन हमें ये काफ़ी मोटिवेट करता है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बोनट पे यहाँ पे जो शीट हुई है i10 में वो है 1.2 mm, और सेंटर ऑफ द बोनट जब दोबारा टेस्ट किया तो अगेन यहाँ पे भी देख सकते हैं बोनट पे 1.2 mm, और नीचे की साइड जब हमने इसे टेस्ट किया तो यहाँ पे थोड़ी मोटी हो जाती है 1.4 mm। तो यहाँ पे जो शीट मेटल की थिकनेस है, मोटाई है, वो वेरी कर रही है, यानी कि चेंज हो रही है हुंडई की i10 में, लेकिन एक्स्टर में ओवरऑल आपने देखा कि सभी जगह पे आपको 1.0 mm की मोटाई देखने को मिल रही थी। चलिए बात कर लेते हैं फ्रंट बम्पर की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो फ्रंट बम्पर है ये आपको यहाँ देखने को मिल रहा है 9.1 mm पे ये रुक चुका है। तो 9.1 mm यहाँ पे आपको इस गाड़ी का जो फ्रंट बम्पर देखने को मिल रहा है। और साइड्स की बात करें तो साइड में आप देख सकते हैं 1.0 mm पे रुक चुका है। तो साइड जो है इसकी 1.0 mm है शीट, और यहाँ जो साइड डोर है फ्रंट ड्राइवर साइड, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1.4 mm, ये जहाँ पे रुकेगा वही फाइनल होगा। तो ये देख लीजिए 1.4 mm पे ये रुक चुका है। तो जो साइड डोर है वो 1.4 mm ऊपर की साइड, और नीचे आप देख सकते हैं नीचे अगेन ये 1.4 mm। रूफ़ की बात करें तो रूफ़ में ये आपको 1 mm देखने को मिल रहा है, रूफ़ की जो शीट है वो 1 mm की मोटाई है उसकी। और ये आ गया हम रियर बम्पर पे, ये है 9.7 mm। दोस्तों, इसमें बिल्कुल भी कुछ भी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल जेन्युइन वीडियो है और बिल्कुल जेन्युइन डिवाइस ये बता रहा है,
कि जो मोटाई है वो कितनी है। बड़ा एक्यूरेट सेंसर है ये, इसका सर्टिफिकेशन भी है हमारे पास। और ये आप देख सकते हैं रियर में जो मेटल शीट है वो है 1.3 और 1.4 mm के बीच में। और ये अंडर द बॉडी आ चुके हैं हम गाड़ी की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1.8 mm। तो चलिए बात कर लेते हैं अब रिजल्ट्स के बारे में। तो दोस्तों अगर दोनों की गाड़ियों की आउटर शीट्स की बात करें तो एक्सटर जो है 1.0 mm में ही देखने को मिलती है, चाहे वो बोनट हो, साइड डोर हो, रूफ हो, हर जगह आपको बैक में भी 1.0 mm देखने को मिलती है। लेकिन जो ग्रैंड आई10 है उसमें आपको 1.2 mm से लेके 1.4 mm तक मेटल शीट जो है मोटाई उसकी देखने को मिलती है। यानी कि आई10 में हैवी डोर्स और हैवी जो बोनट है उसको यूज़ किया गया है। और वहीं अगर हम बात करें अंडर दी बॉडी की, तो अंडर दी बॉडी दोनों ही सेम है, जैसे कि हुंडई का कहना है कि दोनों में सेम प्लेटफॉर्म का यूज़ किया गया है, तो दोनों में हमें बिल्कुल सेम अंडर बॉडी चेसिस का जो एरिया वो देखने को मिलता है। लेकिन आउटर शीट में कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा जो है वो थोड़ा पीछे रह जाती है हुंडई आई10 के मुकाबले में। और वहीं अगर हम बात करें इन दोनों ही गाड़ियों के बंपर्स की, तो बंपर्स में भी जो है एक्स्ट्रा है 8.1 mm का इसका फ्रंट बंपर देखने को मिलता है और रियर बंपर 8.2 mm के आसपास देखने को मिलता है। और वहीं आई10 की बात करें तो आई10 में ये 9.1 mm और 9.7 mm देखने को मिलता है। तो दोस्तों ये आपने देखा दोनों गाड़ियों के बीच में कंपैरिजन। अगर हम सेफ्टी रेटिंग की बात करें तो आपको पता ही है कि ग्रैंड आई10 जो है वो 2 स्टार स्कोर करती है। लेकिन यहाँ एक्स्टर की बात करें तो एक्स्टर की जो बिल्ड क्वालिटी है, अगर हम अंडर बॉडी की बात करें तो वो तो बिल्कुल सेम ही आई10 की तरह, लेकिन आउटर में ये आई10 से भी वीक है। तो दोस्तों किसी भी गाड़ी को अगर अच्छी सेफ्टी रेटिंग लानी है तो उसके लिए 3 चीज़ें चाहिए होती है। एक तो उस गाड़ी का जो टेक्निकल डिज़ाइन है, स्ट्रक्चरल टेक्निकल डिज़ाइन है, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। दूसरा, उसमें जो मेटल यूज़ किया गया है वो कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ये मैटर करता है। और तीसरा, जो स्ट्रॉन्ग मेटल यूज़ हुआ है वो कितनी मात्रा में यूज़ किया गया। अगर स्ट्रॉन्ग मेटल को सिर्फ 2 ही जगह यूज़ किया गया है हल्का फुल्का, तो ऐसे केस में भी कोई फ़ायदा नहीं है। और आपको स्कॉर्पियो का भी एग्जांपल याद होगा, स्कॉर्पियो में जो मेटल है वो काफ़ी ज़्यादा भारी मात्रा में यूज़ किया गया था, काफ़ी हैवी थी गाड़ी, लेकिन फिर भी उसे 0 स्टार मिले थे क्योंकि उसका जो स्ट्रक्चरल डिज़ाइन था वो बिल्कुल अनस्टेबल था। तो यहाँ पे अगर एक्स्टर की बात करें तो एक्स्टर में जो मेटल है वो भी एज़ कम्पेयर टू आई10 थोड़ा वीक लग रहा है, जबकि आई10 भी 2 ही स्कोर जो है कर पाई है। और तो यहाँ पे जो एक चीज़ बचती है वो मुझे लगता है कि वो टेक्निकल जो डिज़ाइन है वही है। अगर वो अच्छा एक्स्टर का तो यहाँ पे इसको अच्छी रेटिंग मिल सकती है, अदरवाइज़ ये मुझे आई10 के आसपास ही नज़र आ रही है। आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो के साथ। तो दोस्तों हमने हुंडई का ही वेन्यू का भी टेस्ट किया है, अगर आप उसके साथ भी कंपैरिजन देखना चाहते हैं इस गाड़ी का या किसी और गाड़ी का, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और अगर आप वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमें काफ़ी ज़्यादा खुशी होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद।